आप सभी लोग मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब एकदम बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय हो या फिर DDU यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो या फिर सिवली नेशनल कॉलेज हो। इन सब की प्रिपरेशन आप बहुत ही ज़ोरदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रखती है। देखो, सबसे अच्छी चीज़ मैं बता दूँ मेरे लेक्चर को देखने की, अभी तक आप बहुत सारे लेक्चर देख चुके होंगे मेरे, लेकिन ये लेक्चर में और सभी लेक्चर में एक चीज़ कॉमन रही है कि आपको सारी चीज़ें, क्या आपकी सारी चीज़ें, जो कंटेंट आपका इंग्लिश में लेफ्ट साइड लिखा हुआ है उसी का हिंदी ट्रांसलेशन राइट साइड में लिखा हुआ है, यानी कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वो साथ ही साथ इस लेक्चर को भी देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो मैं दोनों को ना पढ़ने की बजाय एक ही लैंग्वेज में पढ़ना प्रीफर करूँगा। हिंदी मीडियम के बच्चे अपना साइड में देखते रहेंगे आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया होगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF को आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है बायोलिस्टिक्स इज़ ए सुटेबल हो, बायोलिस्टिक्स किस चीज़ के लिए सुटेबल होता है। तो याद रखना, बायोलिस्टिक्स जो होता है प्लांट्स के अंदर, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर DNA को इंट्रोड्यूस करने के लिए सुटेबल होता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और याद रहना, इस सीरीज़ में हम हर चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, 15 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी के नहीं करने वाले हैं। 15 वो क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूजफुल, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कब किया जाता है, मतलब किस बैक्टीरिया का किया जाता है, किस चीज़ का किया जाता है। तो इन्होंने यही बोला है यूज्ड फॉर, यानी कि बैक्टीरियल DNA के लिए, किसके लिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ किसके लिए किया जाता है। वायरल DNA के लिए किया जाता है, बैक्टीरियल DNA के लिए किया जाता है, यूकेरियोटिक DNA, एनी टाइप ऑफ DNA। तो याद रखें, बैक्टीरियल DNA के यूज़ के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि द DNA फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कैन बी सेपरेटेड बाई, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के उपयोग से उत्पन्न DNA अंशों के किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। याद रखना, जब भी DNA फ्रेगमेंट हो जाते हैं उनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से अलग करते हैं, किसके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और याद रखना, ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो किस पे, साइज़ के अकॉर्डिंग वर्क करता है, किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, साइज़ के अकॉर्डिंग, चार्ज के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है। याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्लाज्मिड्स इन बैक्टीरियल सेल्स आर, यानी कि बैक्टीरियल सेल्स में प्लाज्मिड क्या होते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। क्या प्लाज्मिड क्या होते हैं बैक्टीरियल सेल में? तो याद रखना, प्लाज्मिड जो होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है विच कैन सेल्फ रेप्लिकेट है। ये प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है और वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है DNA का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द DNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज्ड इन PCR इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि जो भी PCR के अंदर, क्या PCR के अंदर जो भी DNA पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखना, ये जो DNA पॉलीमरेज हम इस्तेमाल करते हैं उसका पूरा नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। तो याद रखना, ये हाईली टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। कहाँ पे, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, कहाँ क्या होता है, स्टेबल होता है। और इसको हम शॉर्ट में टैग पॉलीमरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, TAQ, यानी कि टैग पॉलीमरेज, पॉल बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है होल आइसोलेटिंग DNA फ्रॉम बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज, यानी कि बैक्टीरिया से DNA को अलग करते समय, बैक्टीरिया से DNA को अलग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का उपयोग नहीं किया जाता। याद रखना, क्या याद रखना, जो देखो, एक बैक्टीरिया से हमें DNA को निकालना है, यानी कि बैक्टीरियल सेल से निकालना है, तो उसमें हम लाइसोजाइम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसका, लाइसोजाइम का नहीं करते हैं, और इन तीनों का करते हैं। और ये आपके लिए एकदम बेकार क्वेश्चन है, इसको पढ़ना मत, बेकार है, छोड़ देना। और क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज फैसिलिटेटेड टू, यानी कि जब हम हीट शॉक मेथड देते हैं
किसको बैक्टीरियल मेथड में, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या महत्व होता है, ठीक है, हम क्यों करते हैं। तो याद रखना, हम करते हैं ताकि अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके थ्रू, क्या बैक्टीरिया के सेल वॉल के थ्रू डीएनए को अंदर लेके जा सके, इस वजह से हम उसे हीट शॉक का ट्रीटमेंट देते हैं। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं हैश लगा करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन भी टैग पॉलीमरेज के ऊपर ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाय पॉलीमरेज इन अ पीसीआर रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन कहता है कि पीसीआर प्रतिक्रिया में टैग पॉलीमरेज द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा चरण उत्प्रेरित होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा स्टेप ऐसा है जो कि कैटलाइज होता है टैग पॉलीमरेज द्वारा। तो याद रखना, जो एक्सटेंशन वाला स्टेप होता है, कौन सा एक्सटेंशन वाला स्टेप होता है, एक्सटेंशन वाला, वो टैग पॉलीमरेज द्वारा किया जाता है, ठीक है, एट अ हाई टेम्परेचर, ये भी याद रखना। और आप जो ये पीसीआर का डीनेचुरेशन एनीलिंग एंड आफ्टर दैट क्या होता है, आफ्टर दैट होता है एक्सटेंशन, ये वाला सीक्वेंस भी याद करके जाना, एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डीनेचुरेशन पहले आता है या एनीलिंग आता है या एक्सटेंशन। तो याद रख लेना, ये क्रम मैंने सही लिखा हुआ, डीनेचुरेशन एनीलिंग एंड एक्सटेंशन इसी प्रकार से आता है। अगला क्वेश्चन 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्विंग डीएनए सेपरेटेड बाय एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि दिए गए कथनों में से कौन सा एग्रोज जेल के द्वारा पृथक किए गए डीएनए के प्रशिक्षण संदर्भ में सही है, क्या सही है। तो देखो, इसमें अगर हम बात करें कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे ही आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखोगे, ऑप्शन पढ़ोगे, विजिबल लाइट में बिल्कुल नहीं सीन किया जाता है, विदाउट स्टेनिंग गलत बात है, इथिडियम ब्रोमाइड चलो यहाँ तक तो ठीक है, स्टेन डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, बिल्कुल गलत, विजिबल लाइट में नहीं, हम यूवी लाइट में सीन करते हैं। जब देखो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस करते हैं और हमारा जो डीएनए है उसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं, बट वो विजिबल नहीं होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड, क्या इथिडियम ब्रोमाइड के स्टेन से कलर करते हैं और उसके बाद उसको यूवी एक्सपोजर में लेके जाते हैं, तभी वो हमको दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि रिस्ट्रिक्शन इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज रिफर्स टू, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में रिस्ट्रिक्शन वर्ड, रिस्ट्रिक्शन शब्द किसको डिनोट करता है, किसको संबोधित करता है, ठीक है। तो याद रखना, ये जो रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज के गुणन की रोकथाम, यानी कि ये तो रिस्ट्रिक्शन जो वर्क करता क्या था, प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस होता है उसका डेवलपमेंट को रोकता है बैक्टीरिया के अंदर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज, आंसर नंबर भी हो जाएगा, सभी को इसका आंसर पता है कि डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल कब कहां किया जाता है, लाइगेज यानी कि जोड़ने के, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू स्टिकी एंड्स ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, आंसर नंबर बी होगा। और ये वर्ड जो स्टिकी एंड है इसको भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टिकी एंड, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सी है, इसको आपसे खुद से करना है, किसे करना है, खुद से करना है, और शायद इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, और अगले चैप्टर में देखेंगे हम आपको कराने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इससे भी एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आज की जो PDF है इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।